के लोग बेचारे एक मजलूम आदमी को संभाले हुए हैं। फिर भी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, ये खालिद भाई की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि बेचारे बहुत ही अच्छे से हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हम, ये खालिद भाई की टीम कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ती हुई। और इसी के साथ ही हमारे दुर्वासित भाई जो बेचारे पकड़े गए और गिरफ्त में आ गए और मर गए, कोई बात नहीं है, हार जीत में तमाम चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पर अभी एक नए प्लेयर अभी जिंदा हुए हैं हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब के मरने की वजह से। अब फिर इधर ये है मौलाना असदुल्लाह साहब जो जा रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी मर करके आएंगे, इसलिए कि इनकी सांस बहुत जल्द फूल जाया करती है। और उम्मीद है अगर एक मरतबा ही पकड़े गए तो वहीं पर रह जाएंगे, देखिए क्या होता है। इसी के साथ इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौलाना असदुल्लाह ने इंतहाई धोखे के साथ खालिद भाई के टीम के फर्द को मार दिया है। रमेश कुमार, देखिए इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनाब रमेश कुमार जो NDTV के सीनियर एडिटर हैं और रेवन्यू से अवार्ड याफ्ता हैं, उनको बहुत सारी गालियां और कत्ल वगैरह की धमकियां मिलती रहती हैं, फिर भी वो डटे रहते हैं। इसी तरह यहाँ पर मीडिया को डराने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल गालियां दी जा रही हैं। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह, मैं शुरू से कह रहा था खालिद भाई, देखिए इन्होंने किस तरह असदुल्लाह को, ये असदुल्लाह यहाँ पर गिरे हुए हैं और यहाँ पर खालिद भाई मर गए, फिर ये मौलाना जिंदा हो जाएंगे। इनका नाम क्या है भाई? कुछ बात नहीं, कुछ जिंदा होने दीजिए, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, बहुत शानदार। क्या नाम है इनका? नदीम भाई। हाँ, ये है हमारे नदीम भाई जो यहाँ पर जिंदा हुए हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था, देखिए ये चेहरे हैं जो रमेश कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान लीजिए इन चेहरों को बहुत अच्छे तरीके से। यही वो लोग हैं जो 2000 की नोट में चिप्स ढूंढ रहे थे, यही वो लोग हैं जिनके किरदार को देखें। देखिए किस तरह ये मक्कारी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग देखिए, जरूर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर ये हमारे खालिद भाई हैं जिन्होंने इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और ये वो अब्दुल बासित भाई हैं। देखिए ये रहे हमारे टीम के कप्तान, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और ये रहे हमारे अब्दुल बासित भाई जो अभी हारे हुए हैं। देखिए ये रहे और ये साहब हैं जो मीडिया को ढेला से मार रहे हैं, बर्फबारी कर रहे हैं। ये मैं आ जाऊं? कोई बात नहीं, देखिए ये हमारे टीम में कप्तान है, इनकी बहादुरी देखिए। देखिए मैं यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ लेकिन इनकी हौसला, और देखिए मुसलसल बर्फबारी हो रही है एंकर की जाने। देखिए जब हमारी टीम में एक आदमी जीत चुका है और मैं जिंदा हो चुका हूँ, फिर भी इन्होंने का इशार इनकी कुर्बानी और इनकी आला जरफी और उसात जरफी है कि ये बेचारे कह रहे हैं कि हमें और उम्मीद है कि ये बहुत सारी बातें हम लोगों की तरफ मंसूब करेंगे, बहुत सारी गलत बातें होंगी, बहुत से फेक न्यूज होंगे, बराए करम आप लोग फेक न्यूज से होशियार रहिए। ये हमारे एंकर जो होने जा रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखिए, इनकी बात मत सुनिए, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जो आप देखते हैं।